Hello everyone, welcome to Develop Learning. My name is Simran Gumbar. आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाली है. क्यों? क्योंकि हम इसमें DEC के प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, वो सब डाउट सॉल्व करने वाले हैं. चाहे आप जनवरी 2022 सेशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप जुलाई 2022 सेशन के स्टूडेंट हो, आपके लिए जो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस आई हैं, कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हैं, जिन्हें पढ़कर आप लोग हो रहे हो बार बार कंफ्यूज. ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कहां सबमिट करना है, कहां नहीं. हमने सोचा कोई बात नहीं, जितने बच्चों के डाउट आएंगे उतनी ज्यादा हम वीडियोस बनाकर उनके डाउट्स को सॉल्व करते रहेंगे, ताकि टेंशन की कोई बात रहे ना, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अब तुम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करो, अच्छे से एग्जाम्स दो और 90+ मार्क्स लेकर आओ. बिल्कुल टेंशन फ्री होके सारी की सारी बातें समझनी है, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बना पाओ. अच्छा, अब जो न्यू गाइडलाइंस आई है मैम, ये गाइडलाइंस है क्या? देखो, गाइडलाइंस बेसिकली क्या है, आपके पास DECE 4 प्रोजेक्ट की एक बुक आई होगी. इंग्लिश में DECE 4 प्रोजेक्ट वर्क, हिंदी वाले बच्चों के पास DECE 4 परियोजना कार्य. क्या? कौन सी बुक? DECE 4. अब उस बुक के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि फेस 1 यानी कि पहला चरण कैसे बनेगा, फेस 2 दूसरा चरण कैसे बनेगा, फेस 3 तीसरा चरण कैसे बनेगा, मतलब छोटा छोटा सैंपल दे रखा है. उसके बेसिस पे आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है. ठीक है मैम, तो मैम ये गाइडलाइंस जो न्यू आई है उसमें क्या चेंज है? उसमें उन्होंने ये बताया है कि पहले तो आप उस बुक के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट बनाओ, और फिर जो एनेक्स्टर्स है वो एनेक्स्टर्स अब थोड़े से न्यू एड हो गए और थोड़े से पुरानी बुक वाले लगेंगे. इसमें तुम होगे कंफ्यूज, मैम कौन से न्यू वाले लगेंगे, कौन से बुक वाले लगेंगे, समझ नहीं आ रहा. कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्यों कोई दिक्कत की बात नहीं है? क्योंकि आप जब मान लो आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो, तो जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो हम आपको वैसे ही आपको एनेक्स्टर्स की ब्लैंक PDF दे देते हैं, जो कि आप प्रिंट करा सकते हो. मैंने चैनल पे वीडियो भी डाल रखी है कि एनेक्स्टर्स कैसे भरे, वो वीडियो देख लो, उसमें एक चीज बताई हुई है. दूसरी बात मैम, वीडियो बनाना जरूरी है? हाँ जी, वीडियो बनाना जरूरी है. वीडियो किस किस चीज की बनानी है? दूसरे और तीसरे चरण में आप जो जो एक्टिविटीज लिख रहे हो, आपको उन उन एक्टिविटीज की वीडियो बनानी है. ठीक है जी, पहली बात. दूसरे और तीसरे चरण की एक्टिविटीज की वीडियो कैसे बनानी है मैम? कोई बात नहीं, अभी बता देंगे. उससे पहले एक बहुत बड़ा डाउट तुम्हारा जो है उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या मैम, कोई हमारा प्रोजेक्ट बना देगा क्या? मैम लिखा लिखाया प्रोजेक्ट मिल जाएगा? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बता रही हूं, अगर आप अपना प्रोजेक्ट मान लो आप किसी से PDF लेते हो और उससे देख के लिख रहे हो, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप किसी से लिखा लिखाया ले लेते हो और उसे सबमिट करते हो, तो मानकर चलो वो पक्का से पक्का रिजेक्ट होगा ही होगा. क्योंकि एक तो वो आपकी हैंडराइटिंग नहीं है, आपके एग्जाम की हैंडराइटिंग से वो हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो वैसे ही गलत हो गया. वैसे ही गलत हो गया तो मानकर चलो 6 महीने बाद तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होके आ जाएगा, 1000 फाइन और लग जाएगा. तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रही हूं, कृपया करके अपना प्रोजेक्ट खुद अपनी हैंडराइटिंग में जरूर लिखना. क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम बोलते हैं ना, तो उनको लगता है मैम ऐसे ही कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो लिखवा लेंगे. ठीक है, देखो तुम लिखवा लोगे, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में समझोगे नहीं यार सिमरन मैम बोल तो सही रही थी, नहीं तो ये तो कहना देखो मेरे लिए भी आसान था, हाँ मैं हार्ड कॉपी भिजवा देती हूँ, है आप उसे सीधा का सीधा सबमिट कर देना. जो चीज गलत है, जो चीज रिजेक्ट होनी है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. तो सब बच्चे अपना प्रोजेक्ट खुद लिखेंगे अपनी हैंडराइटिंग में. दूसरा मैम, वीडियोस तो बहुत ही ओखी है, क्या ही बताएं, वीडियोस बना ही नहीं पा रहे. कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आप टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी वीडियो बनाकर भेजो. पता है क्यों? क्योंकि जब आप DEC के प्रोजेक्ट के पोर्टल पे प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं ना, सबसे पहले आप एक अपने आई कार्ड की फोटो डालते हो, जो आपका इग्नू का आई कार्ड है उसकी फोटो डालते हो, उस पे आपकी शक्ल शो हो रही होती है. एक अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करते हो, उस पे भी आपकी शक्ल शो हो रही होती है. फिर आप जो वीडियोस अपलोड करते हो उसमें भी आपकी शक्ल शो होगी. तो क्या आपको ऐसा लगता है आपकी शक्ल इससे मिलाई नहीं जाएगी? गलत सोच रहे हो, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम, सारी की सारी चीजें मैच की जाएंगी. तो कृपया करके
सही से खुद की वीडियोस बनाकर अपलोड करना ताकि कोई दिक्कत ना आए। पहली बात, वीडियो कितनी कितनी देर की होनी चाहिए? हर वीडियो मिनिमम 5 मिनट की होनी चाहिए, मिनिमम 5 से 5.5 मिनट हो गई, 6 मिनट हो गई, 6.5 मिनट हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना 5 से छोटी ना हो। मैम जब मैं एक्टिविटी कराती हूँ ना 5 मिनट की बनी नहीं पाती, 3 मिनट की बनती है, क्या करें? 3 मिनट अच्छे से पढ़ा लिए ना, बाकी 2 मिनट क्या करो, बच्चों को रिवाइज करा दो। मैंने बच्चों को पोएम सिखा दी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सीख गए वो, तुम्हें लग रहा है भी वीडियो छोटी है, कोई बात नहीं रिवाइज करा दे रहो। बच्चों मेरे पीछे बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, घूमते रहो ऐसे वीडियो, जैसे मान लो मैं घूम रही हूँ आप क्लास में घूमते रहो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जितनी ज्यादा बच्चों को प्रैक्टिस कराओगी उतना अच्छा होगा और आपकी वीडियो का भी टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है जी, एक और चीज, मैम हमारे स्कूल वाले अलाउ ही नहीं कर रहे वीडियो बनाने के लिए। ये सच में एक दिक्कत है, क्योंकि बहुत से स्कूल वाले मना कर रहे हैं बच्चों को वीडियो बनाने के लिए। तो या तो अब आप अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर वालों को ये प्रॉब्लम बताओ कि इसका कोई सॉल्यूशन बताओ कि हमारे स्कूल वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे, या फिर स्कूल वालों को प्यार से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दो कि देखो ये हमारे प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस में लिखा है, हमारा प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब हम 5 मिनट की वीडियो बनाएंगे, तो प्लीज हमें वीडियो बनाने दो, हम ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। अदरवाइज अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर वालों को ये प्रॉब्लम बताओ ताकि वो कुछ रिटर्न में लिख कर दे दें या इस चीज का कोई हल बता दें। अभी तक की गाइडलाइंस के हिसाब से वीडियो बनाना जरूरी है। मैम वीडियो बनाकर डालनी का है? वीडियो बनाकर आप अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओगे, वहां पे अपनी एक्टिविटी वाइज वीडियो डाल दोगे, एक्टिविटी 1 फेज 1, एक्टिविटी 1 फेज 2, एक्टिविटी 2, ऐसे ऐसे अपनी अपनी क्या डाल दोगे, वीडियोस डाल दोगे। यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, वीडियो कैसे डालनी है, लिंक कैसे कॉपी करना है, सारी की सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी, वहां से पता चल गया। मैम प्रोजेक्ट सबमिट कहाँ होगा? प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए एक DEC प्रोजेक्ट का क्या आया है, पोर्टल आया है, उस पोर्टल पर क्या करोगे, आप अपनी डिटेल्स डाल के रजिस्टर करोगे और आप अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हो। अब उस पोर्टल में दिक्कत क्या आ रही है, जो हमारे जनवरी वाले बच्चे हैं जब वो उसमें रजिस्टर कर रहे हैं तो वो इनवैलिड दिखा रहा है एनरोलमेंट नंबर, या दिखा रहा है इनएलिजिबल, मतलब वो पोर्टल में ही कोई इश्यू चल रहा है जिस वजह से बच्चों का वो उठा ही नहीं रहा एनरोलमेंट नंबर। तो स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर वालों को मेल डाल सकते हो तुम कि मैम ये क्या मतलब, क्यों नहीं हमारा उठा रहा एनरोलमेंट नंबर, ताकि वो जल्दी से पोर्टल में जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाए। अदरवाइज आप अपने प्रोजेक्ट की जो हार्ड कॉपी है उसको दिल्ली हेड ऑफिस वाले प्रोजेक्ट को दिल्ली हेड ऑफिस वाले एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हो, और एक पेज पर अपनी सारी यूट्यूब वीडियोस के लिंक लिख देना, वो उसके साथ भेज देना। ठीक है जी, अगर आप पोर्टल पे नहीं रजिस्टर हो पा रहे हो तो हार्ड कॉपी भेज सकते हो। ठीक है जी, मैम प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट होते हैं बच्चों के, आप तो ये बताओ, बहुत बच्चों के हमने तो सुना है कि रिजेक्ट होते क्यों होते हैं। मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, सबसे ज्यादा उन बच्चों के रिजेक्ट होते हैं जो लिखा लिखाया किसी से ले लेते हैं, कि भाई हम ज्यादा पैसे देके लिखा लिखाया प्रोजेक्ट ले लेते हैं और वही सबमिट करा देते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो मतलब प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। देखो हर चीज का ना एक प्रोसीजर होता है कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, तब कंप्लीट होगा। कहां आधा चीज और नॉर्थ से उठा ली, आधी साउथ से, आधी ईस्ट से, आधी वेस्ट से। प्रोजेक्ट जब एक सीक्वेंस में ही नहीं चल रहा, करेक्ट ही नहीं फॉलो हो रहा, तो कैसे पास हो गए, होते ही नहीं। तो आपको क्या चाहिए, आप जब अगर खुद प्रोजेक्ट बना रहे हो या हमसे सॉल्व PDF ले रहे हो, तो आपको प्रॉपर चीज को फॉलो करना है। अगर खुद बना रहे हो तो सारी की सारी गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो करो, पहले DC 4 की बुक पूरी पढ़ो, फिर न्यू गाइडलाइंस पूरी पढ़ो, ठीक है, उसको समझो, फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ ताकि बिल्कुल सही बने। अगर हमसे ले रहे हो प्रोजेक्ट तो हम तो आपको प्रॉपर सॉल्व PDF देंगे, साथ में ब्लैंक कनेक्टर्स देंगे, बताएंगे कैसे वीडियो बनेगी, कैसे अपलोड होगी, कैसे आप सबमिट कर सकते हो, कैसे आप उसमें और अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो कि आपके 90+ मार्क्स आए। हमारे स्टूडेंट्स के इनफैक्ट 95-97 मार्क्स तक आए हैं, फॉर विच आई एम रियली रियली थैंकफुल। तुम लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हो, हम पे भरोसा रखते हो, और हम भी मेहनत करते हैं तुम्हारे साथ ताकि अच्छा सा अच्छा स्कोर हमारे स्टूडेंट्स का
आ सके। तो टेंशन लेने की बात है नहीं। एक और खास बात क्या है, पहले जो हमारा गाइड होता था वो देता था 70%, मतलब सारा का सारे प्रोजेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद एंड में 70 से मल्टीप्लाई होता था कि 70 की वेटेज, लेकिन अब ये नहीं है। क्यों? अब आपको एंड पे 30 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा गाइड 30% देगा, इग्नू वालों का गाइड 70% देगा। तो आपके एनेक्स्टर में जो बुक्स हैं वो पहले की प्रिंट है, उसमें 70 ही लिखा हुआ है, तो 70 को छोटा सा कट मार देना और खुद 30 लिख के 30 से मल्टीप्लाई कर देना। बाकी सारी गाइडलाइंस और गाइडलाइंस में कोई चीज डिफरेंट नहीं है। एक चीज ये डिफरेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अभी भी कोविड वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको साथ में प्रूफ लगाना पड़ेगा कि आपके एरिया में प्ले स्कूल्स अभी भी बंद है कोविड के कारण। जितना मैंने देखा है इंडिया में हर जगह प्ले स्कूल अब खुल चुके हैं, कहीं भी कोविड की वजह से प्ले स्कूल बंद नहीं है। तो वो वाला प्रोजेक्ट मत बनाना, गलत हो जाएगा। स्कूल ओपन वाला प्रोजेक्ट आप सब लोग बनाओगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपके डीसी के प्रोजेक्ट की न्यू गाइडलाइंस को लेकर जो भी डाउट्स थे, आई होप वो सॉल्व हो गए होंगे। इतनी लंबी गाइडलाइंस है, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। मेन जो चीजें थी मैंने आपको सब बता दी। उसके अलावा उन्होंने सारी चीज को डिटेल में बताया कि जो गाइड है उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ईटीटी होना चाहिए, एनटीटी होना चाहिए, डाइट कर रखी हो, जेबीटी डीएलएड कर रखी हो, इतने टाइम से प्ले स्कूल में पढ़ा रहा हो, ठीक है, प्रिंसिपल मैम के साइन लगेंगे, स्टैंप लगेगी, वो सब चीजें हम आपको वीडियोस में समझाते ही रहते हैं, तो आपको पता होगा। आई होप तुम्हारी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। डीसी का कोई भी सॉल्ट असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, या मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स चाहिए हो, तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पर शो हो रहा होगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके सॉल्ट पीडीएफ ले सकते हो, जो कि आपको 85 प्लस मार्क्स जरूर दिलवाएगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, खूब तरक्की करो, मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अगर आप किसी से लिखा लिखाया सबमिट करते हो प्रोजेक्ट, तो बहुत 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 ज्यादा चांसेस हैं कि आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। 6 महीने बाद फिर से उसको सबमिट करोगे, 1000 फाइन भरोगे, तो पहले ही समझदारी का काम कर लेना। थैंक यू।